अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ और उम्मीद है कि आप भी सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, आमीन जी। अभी शाम का टाइम था, देखिए आप शारजहाँ में मौसम अभी चेंज हो गया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम ग्रैंड मॉल में जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी अपने साथ लेके चलूँ। शारजहाँ में है ये, कासमिया में, और आपको भी दिखाऊँ। जी गाइस, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई ग्रैंड मॉल शारजा। वॉक करके आए तो इस तरह से ये हुआ कि अच्छी खासी वॉक भी हो गई और ये बाहर का व्यू था। जैसे ही हम इंटर हुए तो ये देखिए इन्होंने प्रमोशन की, ये गाड़ियां वगैरह रखी हुई थी और बहुत ज़्यादा लोग थे। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतने इस मॉल में भी इतनी ज़्यादा रश होगी। तो पहले हम गए फर्स्ट फ्लोर था और दूसरा इनका ऊपर बना हुआ था, तो हम ये ऊपर आ गए थे। यहाँ पे इन्होंने ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह भी रखे हुए थे और इस तरह की फॉर्मल शर्ट्स वगैरह भी थी, ये इंडियन कुर्तीज़ वगैरह, वो भी अच्छी लग रही थी तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो जी गैस, ये था सारा कपड़ों का सेक्शन। यहाँ पे ज़बरदस्त वैरायटी थी, डिफरेंट कुर्तीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, प्रोमोशन में भी पड़ी हुई थी। और उसके बाद ये टॉयस का सेक्शन था, ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। ऑटो इतना प्यारा बना हुआ था बच्चों के लिए। ये सारे टॉयस देखिए आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं और क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। और इस साइड पर ये सारे शूज़ वगैरह पड़े हुए थे, कुछ ऑफर में भी थे, बैग्स वगैरह लेडीज़ के लिए, वो भी बहुत अच्छे पड़े हुए थे। तो वो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप देखना चाहते हैं इस मॉल में क्या क्या अवेलेबल है तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जब मैं आ गई हूँ बच्चों के सेक्शन में, यहाँ पर बहुत ही क्यूट ऑप्शन थे, इतनी अच्छी वैरायटी थी और क्वालिटी तो उनकी बहुत अच्छी थी। न्यूबॉर्न बेबी के लिए लेकर बड़े बच्चों तक सबके लिए अवेलेबल थे। ये है इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन, यहाँ पे ये सारे गैजेट्स वगैरह अवेलेबल थे, किचन के लिए सामान वगैरह। कुछ चीज़ों पे ऑफ़र लगा हुआ था, जैसे कि ये सैंडविच मेकर 39 दरम में पड़ा हुआ था, ये अवन वगैरह इस साइड में पड़े हुए हैं। तो अगर आप नहीं आए तो शारजा में विज़िट कर सकते हैं, इस मॉल में अक्सर ऑफ़र्स वगैरह लगे रहते हैं। ये देखें क्यूट पंखे कितने अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि हमेशा मैं अपनी ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ और नई चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ और एक्सप्लोर करती हूँ, ये वाली मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, सीविंग मशीन सिलाई की, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये वाली चीज़ें यहाँ पर कब नज़र आती हैं। उसके बाद ही मुझे क्यूट रेडियो नज़र आया, इतना अच्छा लग रहा था, विंटेज
इन्होंने रखा हुआ था, अट्रैक्ट कर रहा था। दो कलर्स थे इसमें। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन है, यहाँ से छोटी से लेकर बड़ी हर चीज़ अवेलेबल थी और क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। ये बात अच्छी थी कि कुछ चीज़ों पे ऑफ़र लगा हुआ था, जैसे कि ये आयरन थी 49 धरम की, और बुक्स वगैरह भी अवेलेबल थे, स्टोरी बुक्स वगैरह। ये देखें आप कितने अच्छे ऑप्शन इसमें थे। तो बच्चे बच्चे भी अगर साथ में आएंगे तो वो भी यहाँ से अपने लिए चीज़ें ले सकते हैं। उसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत, ये देखें, लेडीज़ की वॉचेस थी, जेंट्स की, हर तरह के ऑप्शन थे। इतनी खूबसूरत थी और मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। ये देखें आप, प्रेजेंटेशन भी कितनी अच्छी है, और डिफरेंस ऑप्शन थे, हर कलर में थी, तो मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो एज़ ऑलवेज़ मैं अपनी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी। तो इस बात पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये देखें किचन के स्टोव भी यहाँ पे मुझे नज़र आए और सही प्राइस में पड़े हुए थे, डिफरेंट प्राइस थी और क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। यहाँ पे सामने इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये वाले टीवीज़ वगैरह थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और रिज़ल्ट इनका बहुत अच्छा था। तो ये मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ। ये ऊपर वाले सेक्शन में सारी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी होती हैं। ऊपर वाले सेक्शन में जब आप शॉपिंग कर लेंगे तो आपको यहीं पे पे करना होगा। अभी ये देखिए, मैंने सोचा इस साइड पे आपको दिखा दूँ शूज़। इतने ज़बरदस्त ऑप्शन थे और कलर तो बहुत ही प्यारे, ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये बहुत डिसेंट लगता है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी मुनासिब थी। ये देखिए, ये भी कोट बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आजकल सर्दियाँ आ रही है ना, तो बहुत ही डिसेंट लुक आता है और क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। और प्राइस में ये वाले थोड़ी एक्सपेंसिव थे, ये फॉर्मल शर्ट्स ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो ये अच्छा ऑप्शन है। ये डिफरेंट कलर्स में पड़ी हुई थी जेंट्स की शर्ट, बहुत अच्छी लग रही थी, फॉर्मल वेयर हो गया, ऑफिस वेयर, हर तरह की चीज़ें थी। और उसके बाद ये देखें, बच्चों के टॉयज और कार्स वगैरह, ये क्यूट लग रहे थे, ये पिंक कलर की बहुत अच्छी लग रही थी कार मुझे बच्चों के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरे सेक्शन में, आपको दिखाऊंगी और क्या क्या अवेलेबल है इस मॉल में। जैसे ही हम बाहर से वहाँ निकलते हैं इस फ्लोर से, तो ये हम आ जाते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। वहाँ पे इस तरह की ज्वेलरी के स्टॉल लगे हुए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ये मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो दूसरे सेक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा फूड कोर्ट भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे स्पाइसी विलेज और इस तरह की एक दो रेस्टोरेंट थे, जब आप शॉपिंग करके थक जाएँ तो आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। ये वाला ज्वेलरी का देखें कितना प्यारा लग रहा है, इतनी अच्छी लग रही थी, ये वाले बैंगल्स भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, ये सारा इन्होंने इस तरह डिस्प्ले किया हुआ था। और जैसे ही मैं नीचे आई तो यहाँ पे इस फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा रश थी। ये आपके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा आपको दिखा दूँ कि आपको भी आइडिया हो जाए, तो कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं आपको भी वो पता चल जाएगा। ये वाला पूरा सेक्शन जैसे कि हो गया घर की चीज़ें, ग्रोसरी वगैरह, यहाँ पे ये सारे स्पाइसेस वगैरह पड़े हुए थे। और मुझे यहाँ पे नेशनल का हलीम भी नज़र आ गया, ये बहुत ही कम नज़र आता है, तो ये मैंने यहाँ से ले लिया था। तो मैं ये इंशाल्लाह कुक करूँगी, मुझे ट्राई करना था क्योंकि शाम का तो मिल जाता है, यहाँ पे ये वाला नहीं मिलता। ये वाला अच्छा रहता है ऑप्शन, जो वर्किंग लोग होते हैं उनके लिए, यहाँ से बनाया हुआ खाना ले जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, एंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआएं सबके लिए।